वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। आपको बता दें कि मुंबई में शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने एक मनचले को सबक सिखाने के लिए उसकी जमकर धुनाई की। आरोप है कि मनचला हर रोज महिलाओं पर अश्लील पंक्तियां कसता था। जब उसकी शिकायत शिवसेना की महिला ब्रिगेड को लगी तो उन्होंने कैसे उस मनचले को बीच सड़क में सबक सिखाया। कुछ महिलाएं एक शख्स की बुरी तरह से मरम्मत कर रही हैं। घूंसे लात और चप्पलें बरस रही हैं। और जिस शख्स की मरम्मत हो रही है वो महिलाओं के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिलाओं की पकड़ मजबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये महिलाएं और क्यों इस तरह सरे बाजार इस शख्स पर लात घूंसे थप्पड़ और चप्पल बरसाए जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस शख्स का गुनाह, लेकिन पहले बता दें आखिरकार कहां पर की जा रही है इस शख्स की इतनी जबरदस्त पिटाई। ये मुंबई का डोंबिवली इलाका है और शख्स की पिटाई कर रही महिलाएं शिवसेना की कार्यकर्ता हैं। चलिए अब आपको बताते हैं शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार हो रहे इस शख्स का कसूर क्या है। ये शख्स एक मनचला है जो आते जाते महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने के साथ साथ छेड़खानी भी करता था। और जब शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं को इसका पता लगा तो इसकी खबर लेने वो बाजार में पहुंच गई। सबसे पहले महिलाओं ने इस शख्स को दुकान से खींचा, फिर कॉलर पकड़कर इस मनचले पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद एक महिला कार्यकर्ता ने अपनी चप्पल निकाली और मनचले पर दे दनादन चप्पल बरसानी शुरू कर दी। एक, दो, तीन, चार, चार चप्पलों के बाद महिला रुकी। दूसरी कार्यकर्ता इस बीच थप्पड़ों से इस मनचले के गाल को लाल कर रही थी। इसी बीच चप्पल वाली महिला ने फिर से मनचले की पिटाई शुरू कर दी। पांच, छह, सात, इसके बाद मनचले के मुंह पर दो चप्पलें और जड़ दी। ये तमाम महिला कार्यकर्ता मनचले को जी भर के खरी खोटी सुना रही थी। तभी एक महिला ने अपने पैरों का इस्तेमाल करके मनचले को जोरदार लात भी जड़ दी। शिवसेना की महिला कार्यकर्ता छेड़खानी का शिकार हुई महिला को भी अपने साथ लेकर आई थी। अब इस मनचले से महिला कार्यकर्ताओं ने उस महिला से माफी मांगने को कहा। सरे बाजार पिट रहे मनचले ने थोड़ी आनाकानी की, तभी चप्पल हाथ में लेकर खड़ी महिला ने फिर चप्पलें बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद कान पकड़कर इस मनचले ने फौरन माफी मांगी। लेकिन महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, मनचले की मरम्मत जारी रही। कुल 15 चप्पलें और बेशुमार घूंसे और थप्पड़ बरसाने के बाद मनचले की मरम्मत का फर्स्ट राउंड खत्म हुआ।
सरे बाजार मंचले की जमकर पिटाई करने और खूब खरी खोटी सुनाने के बाद शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने कॉलर पकड़कर सड़क पर जुलूस निकालते हुए इस मंचले को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल मंचले की मरम्मत का वीडियो इलाके में खूब वायरल हो रहा है और महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मंचले को धारा 354 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब